राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ रिंग्स के बारे में जानकारी। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। दौलतमंद बनने के लिए लोग करते हैं इन 5 अंगूठियों पर भरोसा, जाने क्या है फायदे। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। आपने अक्सर लोगों को ज्योतिषों की सलाह पर तरह तरह की अंगूठी पहने देखा होगा। कोई सांप वाली अंगूठी तो कोई कछुए वाली या घोड़े की नाल वाली अंगूठी पहने देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इन अंगूठियों को पहनने के क्या फायदे होते हैं और ज्योतिष विद इन लोगों को और क्यों ये अंगूठी पहनने की सलाह देते हैं, आइए जाने। सांप वाली अंगूठी। ज्योतिष विदों के अनुसार सांप वाली अंगूठी पहनने से काल, सर्प और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही यह ग्रहण दोष से मुक्ति दिलाकर भाग्य को बढ़ाता है और सौभाग्य को भी बढ़ाता है। लेकिन ध्यान रहे कि सांप वाली अंगूठी सिर्फ चांदी, तांबे, अष्ट धातु की ही पहननी चाहिए। धातु और समस्या के आधार पर इसे अलग अलग अंगुलियों में पहना जाता है। नंबर 2, कछुए वाली अंगूठी। कछुए की अंगूठी धारण से भाग्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इंसान के सारे काम अपने आप बनने लगते हैं, कैरियर कारोबार में उन्नति होने लगती है। कछुए की अंगूठी चुंबक की तरह धन को खींचती है। इसे पहनने वालों के पास कभी पैसे की कमी नहीं होती है। ऐसे लोगों पर माँ लक्ष्मी हमेशा मेहरबान होती है। घोड़े की नाल वाली अंगूठी। अगर आपकी कुंडली में शनि दोष, शनि की 7.5 या ढैया चल रही है तो घोड़े की नाल से बनी अंगूठी पहनना बहुत ही शुभ होता है। अष्ट धातु से बनी अंगूठी। अष्ट धातु की बनी अंगूठी को नव ग्रह संतुलित करते हैं। अष्ट धातु से बनी अंगूठी पहनने से कार्य क्षेत्र में सफलता, स्वास्थ्य में सुधार, मन में अच्छे विचार आते हैं। सूर्य की अंगूठी। सूर्य के आकार वाली अंगूठी पहनने से समाज में मान सम्मान बढ़ता है, नौकरी व्यवसाय में उन्नति मिलती है। इस अंगूठी को धारण करने से कुंडली में सूर्य बलवान होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। राम राम जी दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र केवल आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट्स करें और कमेंट्स में एक थम्स अप जरूर करके जाएं। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।